नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों ने मेरा राम राम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुजरों की उत्पत्ति और गुजर कहां कहां बसे हुए हैं। गुजरों की उत्पत्ति पर यदि विचार किया जाए तो गुजर अभिलेखों के अनुसार ये लोग सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। स्पष्ट है कि गुजर सूर्यवंशी या रघुवंशी अपने आप को यदि मानते हैं और उनके अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं तो इसका नाम का एक ही कारण है कि भारत का सबसे पहला क्षत्रिय राजवंश सूर्यवंश ही है, जो बाद में रघुवंश के नाम से भी जाना गया। इसी में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इस प्रकार सूर्यवंशी या रघुवंशी गुर्जर समुदाय के लोग भारत के सबसे पहले क्षत्रिय राजवंश की परंपरा के ध्वजा वाहक हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुजरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। इससे भी पता चलता है कि गुर्जर लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय राजवंशी परंपरा के ही हैं। सातवीं से दसवीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर कहकर लोग आज भी बुलाते हैं। मिहिर का अर्थ भी सूर्य से ही है। राजस्थान के लोगों में यह परंपरा आज भी प्रचलित है कि गुर्जर लोग रघुवंशी अर्थात सूर्यवंशी हैं। कुछ इतिहासकारों की ऐसी भी मान्यता है कि ये गुर्जर लोग मध्य एशिया के कॉक्स क्षेत्र अभी के आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वानों का ऐसा ही कहना है कि गुर्जर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। हमारी मान्यता है कि काक्स आर्मेनिया आदि से गुर्जरों के यहाँ आने को विदेशों से उनका आना माना जाना उचित नहीं है। इसके लिए यह देखने की आवश्यकता है कि जिस समय गुर्जर किसी भी क्षेत्र से भारत में आए उस समय वह देश अस्तित्व में था या नहीं, या वह भारतवर्ष का ही एक भूभाग था। जिन इतिहासकारों ने गुर्जरों को विदेशी जाति माना है उनमें डॉक्टर डी आर भंडारकर का नाम सबसे पहले दिया जाता है। यद्यपि जितेंद्र कुमार वर्मा, रतनलाल वर्मा, गणपत सिंह, उल्तान सिंह वर्मा, स्वामी वासुदेवानंद तीर्थ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी एन पुरी, सी वी वैद आदि विद्वान इस बात से सहमत नहीं है कि गुर्जर एक विदेशी जाति है। डॉक्टर डी आर भंडारकर गुर्जर्स पर शोध पत्र जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी खंड 21 पृष्ठ 411 पर अपने उक्त मत को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर भंडारकर और उनके मत का समर्थन करने वाले विद्वानों की मान्यता है कि गुजरों को खजर जाति से जोड़कर देखा जाए। दूसरे हूण गुजरों के साथ स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर राजपूताने बस गए थे, ऐसा भी स्वीकार किया जाए। डॉक्टर भंडारकर और उनके साथियों के इस मत में कोई दम दिखाई नहीं देता। इन लोगों का खजर जाति का होना मात्र ही उनको गुर्जर के साथ स्थापित करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बन जाता। इसके अतिरिक्त उन्हों के आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में भी हुए हैं, उनका भी गुर्जरों की सामाजिक व्यवस्था के साथ कोई समन्वय स्थापित नहीं दिखता। आजकल कहाँ कहाँ बसे हैं गुर्जर? भारत में गुर्जर समाज प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के कार्यों से अलग अलग समय पर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसे हम इतिहास में गुर्जर और गुर्जर या वीर गुर्जर के नाम से भी जानते हैं। आजकल गुर्जर समाज के लोग उत्तर भारत सहित पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बसे हैं। अपने शौर्य और पराक्रम के कारण इस जाति का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुर्जर जाति के नाम पर रखे हुए हैं। जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात जिला और गुजरांवाला जिला और रावलपिंडी जिले के गुर्जर खान शहर। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी गुर्जरों के नाम से स्थान विशेष को पुकारा जाता है, जिनसे पता चलता है कि समाज के लोग कभी विशाल भूभाग पर अपना या तो प्रभाव रखते थे या शासन स्थापित कर शासक की भूमिका में रहकर काम करते थे।
प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, शुक्रिया।